नमस्कार दोस्तों, अगेन वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज शेयरिंग सेशन। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं ITR 2 इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बारे में। ITR 1 कैसे फिल करना है, ये वाला वीडियो हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। ITR 1 जो था वो खाली सैलरीड एम्प्लॉय के लिए था, जिसके पास कोई कैपिटल गेन नहीं था। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं ITR 2, जिसमें सैलरीड एम्प्लॉय भी हुई कैपिटल गेन, इस केस में हम लोग कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो आज का डिस्कशन में रहेगा ITR 2 ऑनलाइन कैसे फिलअप करें, पूरा स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस आप लोगों को दिखाया जाएगा। ITR 2 कौन कौन भर सकता है, जिसके पास जो सैलरीड एम्प्लॉय है विद कैपिटल गेन वो लोग भर सकते हैं, जो खाली कैपिटल जिसके पास खाली कैपिटल गेन है वो लोग भी ITR 2 के लिए एलिजिबल है। तो मान लीजिए आप कुछ शेयर सेल किए हैं या फिर म्यूचुअल फंड सेल किए हैं, उसके माध्यम से अगर आपको कुछ कैपिटल गेन हो रहा है तो वो लोग को भी ITR 2 भरना होगा। सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी और लैंड, आपका लैंड कुछ सेल कर रहा है या फिर प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो भी जो कैपिटल गेन होगा तो भी आपको ITR 2 भरना होगा। इसके अलावा भी अगर आप क्रिप्टो से भी इनकम कर रहे हैं होगा वो भी आपको ITR 2 के माध्यम से ही भरना होगा। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। ITR 2 भरने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा incometax.gov.in इस वेबसाइट में। उसके बाद आपको यहाँ पे आके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यूज़र आईडी देना होगा, जो होगा आपका पैन कार्ड नंबर। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। उसके बाद आप अपना पासवर्ड डालिए। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे फाइल नाउ पर आ जाइए। फाइल नाउ के आने के बाद आपका असेसमेंट ईयर यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, 23-24, फिर ऑनलाइन, उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद स्टार्ट न्यू फिलिंग, उसके बाद इंडिविजुअल, उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए ITR 2, फिर प्रोसीड विद ITR 2। तो इसको भरने से पहले आपको अपने पास रखना होगा आपको कंपनी से प्रोवाइड किया गया हुआ जो फॉर्म 16 पार्ट बी है वो आपको पास रखना होगा, ठीक है। फॉर्म 16 पार्ट बी, उसके साथ आपको रखना होगा 26AS और उसके साथ आपको TIS टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, जो आपको AIS से मिल जाएगा। 26AS और TIS कहाँ से डाउनलोड करना पड़ता है ऑलरेडी ITR 1 वीडियो में हम लोग दे चुके हैं, नहीं तो फिर यहाँ से भी एक बार दिखा दे रहे हैं। वो आपको जो ई फाइल में जाना होगा, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बाद व्यू फॉर्म 26AS में जाके आप 26AS डाउनलोड कर लेंगे और AIS आपको सर्विसेज में जाके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS में जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप लेट्स गेट स्टार्टेड करना है, आदर्श मार के हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर आपका जनरल के अंदर में जो पार्ट ए है ये वाला सिलेक्ट करना है। फिर इनकम में जाने के बाद शेड्यूल ऑफ सैलरी, शेड्यूल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी तभी सिलेक्ट करना है अगर मान लीजिए आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें आपका लोन चल रहा है या फिर ऐसा कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें आप रेंट, जिससे आपको रेंट में इनकम हो रहा है तो फिर ये वाला सिलेक्ट करना है, नहीं तो छोड़ सकते हैं इसको। शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेंस आपको सिलेक्ट करना है। शेड्यूल ऑफ 112A ये वाला भी आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। शेड्यूल ऑफ अदर सोर्सेस, अगर आपका कोई डिविडेंड इनकम या फिर इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट रहेगा तो ये वाला सिलेक्ट करना है। शेड्यूल ऑफ स्पेशल इनकम अगर है तो सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो जो जो था हम लोग सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। उसके बाद डिडक्शन में आ जाएंगे। डिडक्शन में अगर 80G अगर कहीं पर कुछ आप डोनेट किए हैं तो फिर 80G सिलेक्ट करना होगा, 80GGA, 80D आपका अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस रहेगा तो फिर 80D सिलेक्ट करना है, नहीं है तो छोड़ देंगे। और चैप्टर 6 है तो ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि इसमें 80C 80 ये सब रहता है। टैक्स वाला पोर्टल में यहाँ पे जो जैसा है वैसा ही रहना है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अदर्स में भी जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, इसको भी नहीं डिस्टर्ब करना है। फिर कंटिन्यू में चलेंगे, फिर कंटिन्यू। 11BAC जो है अगर आप येस कर देंगे तो आपका न्यू टैक्स रेजिम में चला जाएगा और नो करेंगे तो ओल्ड टैक्स रेजिम में जाएगा। तो इस केस में ओल्ड टैक्स रेजिम है तो हम लोग नो मार के आगे चलेंगे। अगर कॉस्ट ऑफ ट्रैवल है तो येस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। चिल्ड्रन अलाउंस, कॉम्पेंसेटरी अलाउंस अगर है तो येस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। हाउस रेंट अलाउंस अगर आपको क्लेम करना है तो येस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। LTA क्लेम करना है तो येस करना है, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। अगर और कोई एग्जेम्पशन है तो येस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर कंटिन्यू। इसमें 80C का जो आपका डिडक्शन है यहाँ पे जो अमाउंट है, अगर इसमें कुछ आपको दिक्कत है तो यहाँ पे नो करके भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो येस करके ही आगे चलेंगे। 80CCD भी वैसा ही है। 80DB अगर आपको कुछ इनपुट करना है तो येस करके आप
आगे चलेंगे, नहीं है तो नो करके छोड़ देंगे। 80G में भी वैसा ही है, चाहिए तो यस कीजिए, नहीं तो नो करके आगे बढ़िए। 80TT हो गया इनकम फ्रॉम सेविंग्स बैंक, अगर चाहिए तो यस कीजिए, है तो इसका जो 80TT का वैल्यू जो है आपको 26A से मिल जाएगा। जैसे 26A में जाएंगे ना तो इसमें देखेंगे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक दिखा रहे हैं, देखिए 10,624। फिर आगे चलेंगे, फिर ओके कर देंगे। उसके बाद पार्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन, कॉन्फर्मेशन में जाके पूरा चेक करके इसको ओके कर देंगे। इसके अंदर आपका जितना भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो एक बार चेक कर लीजिएगा, कॉन्टैक्ट, ठीक है, फिलिंग स्टेटस, बैंक डिटेल्स, ये सब ओके है तो इसको कॉन्फर्म करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिलिंग स्टेटस जो है 139(1) सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, ये तो नो किया हुआ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रेसिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया, इसको रेसिडेंट कर देंगे। कंडीशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, तो इसमें जो वन जो इंडिया में रहने वाला है आप, तो फिर यू आर इन इंडिया फॉर 182 डेज, ये वाला सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। इसमें जो जो नहीं चाहिए उसको नो कर देंगे, जो चाहिए तो यस कर देंगे, ये सब नहीं चाहिए नो कर देंगे। इसको डायरेक्टरशिप, इसको नो कर देंगे नो, इसको भी फिर कन्फर्म करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद शेड्यूल ऑफ सैलरी में चलेंगे। शेड्यूल ऑफ सैलरी के अंदर में जाके जाने के बाद जितना भी आपका सैलरी का जो कंपोनेंट है उसका वैल्यू एक बार चेक कर लेंगे, अगर सही है तो आगे बढ़ेंगे, अगर इसमें कुछ दिक्कत है तो आप एडिट भी कर सकते हो इसमें जाके। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, ये प्राइवेट है तो इसमें अदर सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ बेसिक सैलरी का कंपोनेंट चेक कर लेंगे, और कुछ चाहिए तो इसमें ऐड भी आप कर सकते हो, नहीं चाहिए तो छोड़ देंगे इसको। AIS का जो इन्फॉर्मेशन है वही यहाँ पे इनपुट करने के लिए बोल रहा है, AIS का इनपुट आपको AIS से मिल जाएगा। ये सब वैल्यू देने के बाद कन्फर्म करके आगे चलेंगे। उसके बाद आगे आपका शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन, शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन में चलेंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको 111A और लॉन्ग टर्म के लिए 112A ये वाला क्लिक करना है, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। और लैंड और बिल्डिंग रहेगा तो ये वाला क्लिक करना है, इस केस में नहीं आता बोल के मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे। तो ये वाला वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगा, तो मान लीजिए आप जो शेयर मार्केट में निवेश कर रहा है या फिर म्यूचुअल फंड परचेस कर रहा है या फिर सेल कर रहा है, इसका जो फिनेंशियल रिपोर्ट है वो आपको डायरेक्ट ब्रोकर से ही आज के दिन में अवेलेबल है। तो मान लीजिए कोई ब्रोकर आप यूज़ कर रहे हो, ग्रो हो सकता है, जीरोडा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो डायरेक्ट उसके वेबसाइट में जाइए, उस जाने के बाद ऑप्शंस में जाइए, उसके बाद उसका रिपोर्ट्स में क्लिक कीजिएगा, सब ऑलमोस्ट सेम ही है, हर जगह पे ऑलमोस्ट सेम ही है। वहाँ आने के बाद आपको जो कैपिटल गेंस है, देखिए यहाँ पे आ गया ना कैपिटल गेंस म्यूचुअल फंड, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद ये फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे, डाउनलोड करेंगे ना तो डाउनलोड हो जाएगा। वैसे सेम स्टॉक्स का भी सेम है, स्टॉक्स में आके आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करके डाउनलोड करेंगे तो वो भी डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद ऐसा दिखता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाला वैल्यू भी वो यहाँ पे दे देगा आपका इस रिपोर्ट में, कितना बाय परचेस किया सारा डिटेल्स इसमें रहेगा। ये जैसे स्टॉक्स के लिए है वैसे म्यूचुअल फंड्स का भी दे देगा, म्यूचुअल फंड्स का भी ऐसे ही दे देगा, जैसे यहाँ पे दे दिया है कितना गेन है आपका, लॉस है तो लॉस में दे देगा, ठीक है। तो कैपिटल गेन वाला स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं दिखा दिया हूँ, तो अभी HTCG में चलेंगे, ऐड डिटेल्स करेंगे। सेक्शन 11A में आने के बाद यहाँ पे आएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन का मतलब सेल प्राइस, तो फिर देख लेंगे। शॉर्ट टर्म में जो सेल प्राइस है वो देखिए, ये वाला अमाउंट हो गया सेल प्राइस, सेल प्राइस डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब होता है परचेस प्राइस, कितने में परचेस किया है आप, तो परचेस प्राइस देख लेंगे, ये वाला है परचेस प्राइस, परचेस प्राइस को भी यहाँ पे डाल देंगे, तो ये आपका डिफरेंस आ गया। यहाँ पे बोल रहा है एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर भी यहाँ से मिल जाएगा, एक्सपेंडिचर देखिए जो चार्जेस है ना, चार्जेस के जो टोटल है ये आपका एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर जो है आपका इनकम से माइनस हो जाएगा, तो ये एक्सपेंडिचर भी डाल देंगे। तो फिर टोटल आपका टैक्सेबल वैल्यू जो है ये आ जाएगा 5494, फिर उसके बाद इसको सेव कर देंगे। उसके बाद LTCG 112A में चलेंगे, इसमें ऐड डिटेल्स में जाएंगे, व्यू शेड्यूल 112A में चलेंगे, उसके बाद ऐड डिटेल्स में जाएंगे, उसे शेयर स्लैश यूनिट एक्वायर्ड में, क्योंकि आफ्टर 31st है तो आफ्टर 31st वाला सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद फिर से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब आपका एक्वायर करना, इसका मतलब परचेस वाला वैल्यू हो जाएगा, तो आप लोग देख लेंगे। LTCG का एक्वायर्ड प्राइस देखिए, मतलब परचेस प्राइस 10,000 डाल देंगे, 10,000। और फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मतलब सेल प्राइस, सेल प्राइस भी यहाँ से देख लेंगे, सेल प्राइस कितना है, हाँ 11018।
क्योंकि इस शीट में कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं दिया है, तो इसके लिए एक्सपेंडिचर हम लोग इसमें जीरो डाल देंगे। अगर एक्सपेंडिचर रहेगा तो वो भी आप डाल सकते हो, तो इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, HTCG और LTCG ये दोनों वैल्यू डालने के बाद इसके एकदम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद F में आ जाएंगे। F में इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्यूरल रिसिप्ट और कैपिटल गेन। आपने जो HTCG और LTCG जो शो किया है ना, उसका क्वार्टरली कितना वैल्यू है वो भी यहाँ पे दिखाना होगा। उसके लिए आपको क्वार्टरली वैल्यू प्रिपेयर करके रखना है। आपका जो रिपोर्ट निकलेगा ना, उस रिपोर्ट में से देखिएगा कब आप सेल किए हो, वो वाला डेट, जिस डेट में आप सेल किए हो उसके ऊपर जो है ना, इसको पूरा बाइफर्केट करना होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अप टू 15 जून, उसके बाद 16 जून टू 15 सितंबर, ये जो डिवाइड है ना, ये आपको एक्सेल शीट में आप अलग से साइड में बना लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बना लिया हूँ कि अप टू 15 जून, यहाँ पे डेट देख के उस आप 15 जून तक कितना सेल हुआ है उसका वैल्यू, फिर 16 टू 15 सितंबर कितना हुआ है उसका वैल्यू, ये अलग से मैं निकाल लिया हूँ। क्योंकि इसको अगर ओवरऑल टोटल करेंगे तो यही भला आपका ओवरऑल जो कैपिटल गेंस है ना, ये जो टोटल वैल्यू है इसके साथ मैच होना चाहिए, और यही वाला वैल्यू जो है आपको क्वार्टरली यहाँ पे डाल देना है। तो ये आपका हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला, HTCG वाला, चारों क्वार्टर में डिवाइड करके इसमें डाल दिया। फिर वैसे ही आपका जो लॉन्ग टर्म वाला है LTCG वाला भी वैसे ही चारों क्वार्टर में डालना है। तो इसका जो देखिए, खाली एक ही इनकम हुआ, एक ही वैल्यू है, तो एक ही क्वार्टर में वो जाएगा। इसका डेट देख के वही वाला, जैसे नवंबर वाला, नवंबर में है तो नवंबर का मतलब नवंबर 11 नवंबर तक है ना, तो इसका मतलब 16 सितंबर टू 15 दिसंबर ये वाला कॉलम में वो चला जाएगा। बाकी में नहीं है तो बाकी में जीरो डाल देता हूँ मैं। तो ऐसे करके आपको जो है टोटल वैल्यू मैच कराना होगा, उसके बाद कॉन्फर्म करना होगा। फिर शेड्यूल फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएंगे। इसमें कुछ अदर सोर्सेस से अगर कुछ इनकम रहेगा तो वो वाला डालना होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस डाल के उसके बाद कॉन्फर्म करके आगे चलेंगे। उसके बाद जो भी आएगा ना, जैसे आपका शेड्यूल CYL, इसके अंदर आपको कुछ भरना नहीं है, ये ऑलरेडी जो भरा हुआ रहेगा इसको खाली कॉन्फर्म कर देना है। BFLA का भी सेम स्टेटस है, इसको पहले से ही भरा हुआ रहेगा, वो वहाँ से डेटा फेच कर लेगा, बस इसको भी कंप्यूटर सेटअप करके कंटिन्यू करके आगे बढ़ना है। उसके बाद शेड्यूल 6 से है, शेड्यूल 6 से में आपका जितना भी डिडक्शन है वो उसमें अंदर डालना है। ठीक है, आपका ATC ये सब वगैरह, ATD जो भी है, जितना भी आपका डिडक्शन है उसको डाल के कन्फर्म करके आगे बढ़ना है। उसके बाद शेड्यूल AMT, इसको भी कुछ नहीं करना है, इसको भी कन्फर्म करके आगे बढ़ना है। शेड्यूल ऑफ AMTC, इसको भी कुछ नहीं करना है, कॉन्फर्म करके आगे बढ़ना है। इसको भी Part BTI, इसको भी नहीं, कुछ नहीं करना है, इसको भी कॉन्फर्म करके आगे बढ़ना है। टैक्स पेड में आपका टैक्स पेड का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है, आपका जितना टैक्स काटा है ना इसमें दिखाएगा। और जो आप 26 AS के साथ भी वेरीफाई कर सकते हो, आपका जो 26 AS रहेगा ना उसमें भी आपका कितना टैक्स काटा है उसमें भी दिखाएगा। 26 AS में देखिए यहाँ पे आपको दिखाएगा कितना टैक्स आपका काटा है। तो इसके साथ एक बार मैच करवा लेना है आपको कि सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे हम लोग कॉन्फर्म करके आगे चलेंगे। Part B TTI, इसका भी कुछ नहीं करना है। तो इस केस में हम लोग जो भरे हैं इसमें दिखा रहा है कि इनको पेमेंट करना होगा, तो इस केस में यहाँ पे Pay Now आएगा, तो Pay Now करके आगे बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रीव्यू रिटर्न करना है। प्रीव्यू रिटर्न करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू में जाना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू के में आने के बाद आप यहाँ से एक बार फाइनल चेक कर सकते हो, और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, इसको यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो, डाउनलोड करने से ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद कॉल करके नीचे जाने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन में जाना है, उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफिकेशन में जाना है। प्रोसीड टू वेरीफिकेशन के जाने के बाद E-Verify Now क्लिक करके कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा, आधार लिंक मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा। OTP के आने के बाद आपको सबमिट कर देना है, तो आपका ITR2 ऐसे फिलअप कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ आप लोगों को ITR2 के बारे में बहुत सारा ज्ञान जानकारी प्राप्त हुआ होगा, और आप लोग देख ही चुके हैं, आप घर में बैठे बैठे 10 से 15 मिनट के अंदर अगर आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है तब खुद ही ITR2 फिलअप कर सकते हो एकदम मुफ्त में, फ्री में। तो दोस्तों, आप लोगों से ये निवेदन है, ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, इसके लिए बहुत टाइम भी लगता है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो कमेंट भी कर दें। उससे थोड़ा मुझे भी एनकरेजमेंट मिलेगा, ताकि मैं इस तरह का वीडियो जिससे आपको बहुत सारा फ़ायदा मिल सके और भी बना आपके सामने पेश कर पाऊँ। तो धन्यवाद दोस्तों।